सो हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ हमारे माउस का, बिकॉज मैंने इससे कुछ दिन पहले मैंने एक माउस मंगाया था और ये माउस आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये काफी अलग डिजाइन है। देखो ये कुछ अलग है, थोड़ा अलग भी है और प्रोफेशनल भी है, तो ये लैपटॉप्स के लिए काफी बढ़िया प्रोफेशनल माउस लगता है। तो मैंने एक बार देखा कि ये माउस कैसा है और इसकी स्पीड वगैरह या सब कुछ देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से। इनवाइस को हम लोग साइड रखते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा माउस है और ये काफी अलग डिजाइन था। इसे हम सी टाइप से भी चार्ज भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे भी ओपन कर लेते हैं। इसकी स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्ज की और ये 3 डिवाइसेस में कंपेटेबल है। आपका लैपटॉप है, पीसी है या आपका आईपैड है, और मोबाइल पे भी आप इसे अगर इंस्टॉल कर लोगे विंडोज के या मैक के सॉफ्टवेयर को, तो आप उसे भी इस माउस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे साथ एक सी टाइप का केबल दे रखा है, जिससे आप एक इसे भी हम लोग साइड कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी टाइप एक केबल दे रखा है, यूएसबी केबल, जिस सो माउस काफ़ी बढ़िया है और इसका डिज़ाइन आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक बटन दे रखा हुआ है और एक यहाँ पर एक बटन दे रखा हुआ है। इसका स्क्रोल डाउन भी काफ़ी स्मूथ है जी हाँ। इसका बटन का इसकी साउंड भी नहीं कर रही क्लिक की। सो यहाँ पर इसके आप ऑन ऑफ कर सकते हो, स्विच मोड, ऑन मोड, और यहाँ पर इसकी एक यूएसबी, ये यहाँ पर इसका एक डोंगल दे रखा है, ठीक है। सो हाँ, आप इसको यहाँ पर बैटरी, जैसे बहुत सारे माउस आप देख सकते हो तो उसमें बैटरी लगानी पड़ती है, तो यहाँ पर इसे बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी से चार्ज कर लेना, रिचार्जेबल माउस है, इसी में कोई भी बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर आपको मिल जाता है और आज के समय में हम सभी लोग को यही ज़रूरत होती है। बार बार हमें बैटरी से काफ़ी इरिटेशन होता है, तो वो चीज़ें काफ़ी बेस्ट है। 2.4 गीगाहर्ट्ज का यहाँ पर दिखा रहा है इसकी स्पीड। चलिए हम लोग इसे माउस अपने लैपटॉप पर कनेक्ट करके देखते हैं। तो गाइस मैंने लैपटॉप ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं इस पर गाइस मैंने लैपटॉप ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं इसका डोंगल को निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अभी मैं लगा लेता हूँ, बिकॉज मैंने अभी दूसरे माउस का लगा रखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर लिया है और ये कनेक्ट हो चुका है। सो अब यहाँ से ऑन कर लेते हैं, ये देखिए ऑन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर से इसकी माउस की स्पीड भी काफ़ी ठीक ही है, स्मूथ भी है, देखिए काफ़ी सारा स्मूथ है साइज। सो यहाँ पर मैं जैसे माउस चला रहा हूँ या कोई भी चीज़ें मैं ओपन कर रहा हूँ, सो इसकी कीज़ जो यहाँ पर बटन दे रखे हैं ये काफ़ी स्मूथ है, ठीक है। और बहुत सारे, अब देखिए जैसे बहुत सारे माउस में क्या होता है, यहाँ पर बैटरी लगाना, जैसे मेरे पास ये लिनोवो का माउस पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बैटरी लगानी पड़ती है। और अभी मैं यहाँ पर इसको वापस कर देता हूँ, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से ही चार्ज करोगे जो ये कि यूएसबी केबल दे रखी है, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये आपका माउस डिस्चार्ज हो गया है या आपको चार्ज नहीं है, तो आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सी टाइप दे रखा, आप यहाँ से कनेक्ट करोगे और यहाँ पर यूएसबी को कनेक्ट कर लोगे। सो हाँ, ये यूएसबी से चलने लगा और चार्ज भी होने लगा, तो ये चार्जिंग दिखा रहा है आपको, ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये चार्ज हो रहा है। और तो गाइस इसमें एक और फीचर्स है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक ये फीचर्स है, अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए आपका ये डोंगल या यूएसबी ये खो जाता है, और तब आप क्या करोगे, ये खो गया या मान लीजिए किसी प्रॉब्लम से ये टूट गया, तब आप क्या करोगे। तो यहाँ पर एक बटन दे रखा है स्विच मोड स्विच का, इसे ऑन करोगे तो आपका ब्लूटूथ इसमें ऑन हो जाएगा। तो ब्लूटूथ ऑन करके इस पर कनेक्ट कर लोगे, तो देखिए यहाँ पर मैं ब्लूटूथ डिवाइस की हेल्प से मैं माउस को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो ये भी एक अच्छा फीचर्स है, आप इस डोंगल की मदद से भी काम कर सकते हो, और इसमें इनबिल्ट है ब्लूटूथ डिवाइस, तो उसे भी कनेक्ट करके आप ब्लूटूथ का डिवाइस को भी यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो अगर मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ पर से, तो ये ब्लूटूथ ऑफ हो जाएगा,
और अब इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देखो पॉपअप आ गया, बोल रहा है पहले आप कनेक्ट करो ब्लूटूथ तब आप यूज़ कर पाओगे। सो अभी ये ऑफ हो चुका है। सो गाइस हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहते हो, मैंने अभी बोला था कि शायद ये हो सकता था कि ये USB एज अ वायर की तरह यूज़ होने लगे, बट इससे सिर्फ आप चार्ज ही कर पाओगे, आप इसे एज अ वायर की तरह यूज़ नहीं कर पाओगे। इसमें दो ही चीज़ का ऑप्शन दे रखा है, या तो आप इस डोंगल की मदद से यूज़ कर सकते हो यानी USB की तरफ से यूज़ कर सकते हो, या तो ब्लूटूथ डिवाइस जो इसमें दे रखा है उससे यूज़ कर सकते हो। बाकी और इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, आप इससे सिर्फ चार्ज कर सकते हो USB से, बाकी इसमें और कोई ऑप्शन नहीं। तो आप लोगों ने देख लिया होगा गाइस, मैंने इसमें सारी चीज़ें बता दी हैं तो आपको कैसे यूज़ करना है। तो आपने देख लिया इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, मैं अगर ये लेनोवो की बात करूँ, जो मेरे पास पुराना लेनोवो का पड़ा है, इससे स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और इसकी जो बटन है वो भी काफ़ी कीज़ फास्ट है। इससे आप जो भी जब आप इसे यूज़ करोगे तब आपको इस बटन को यूज़ पता चल जाएगा। मैं बता देता हूँ फिर भी, जैसे हो सकता है आपने कुछ आगे की चीज़, ये दो बटन भी दे रखे हैं, इसके भी यूज़ होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को वीडियो को आगे आगे करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो। कुछ पीछे वाले हिस्ट्री पे जाना चाहते हो, प्रीवियस विंडो पे जाना चाहते हो तो इससे यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी हेल्पफुल बटन है और आज के समय में आप काफ़ी सारे लोग गेमिंग खेलना पसंद करते हैं तो ये गेमिंग के लिए भी यूज़ हो जाएगा ये माउस। तो इस माउस के काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, मुझे ये माउस तो काफ़ी सही लगा। आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई कॉमेंट हो और कोई क्वेश्चन हो इस माउस से रिलेटेड तो कॉमेंट करके ज़रूर पूछेगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और अगले वीडियो में कुछ